आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। Question question. When a liquid flows in a tube, there is relative motion between adjacent layers of the liquid. This force is called viscous force, which tends to oppose the relative motion between the layers of the liquid. Newton was first person to study the factors that govern the viscous force in a liquid. According to Newton's law of viscous flow, the magnitude of the viscous force of a certain layer of a liquid is given by F bar minus eta A by dx, where A is area of layer, dv by dx is velocity gradient at the layer and eta is coefficient of viscosity of the liquid. Now, this question is a river is 5 meter deep, the velocity of water on the surface is 2 meter per second. If the coefficient of viscosity of water is 10 into 10, uh, 10 raised to power minus 3 Newton second meter square, the viscous force per unit area is? The viscous force per unit area

तो हमारा जो विस्कस फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है ईटा ए डी वी बाई डी एक्स माइनस साइन को भी भूल जाते हैं क्योंकि हमें विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है ठीक है अब माइनस साइन तो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि वो एक रेजिस्टिव फोर्स है रेजिस्ट करेगा मोशन को इसलिए उसकी डायरेक्शन शो करता है तो F बराबर ईटा है डी वी बाई डी हमें एक्चुअली क्वेश्चन में निकालना है फोर्स पर यूनिट एरिया तो एफ बाई ए हो जाएगा हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया वो हो जाएगा ईटा इंटू डी वी बाई डी अब हमारा पास ईटा है और डी वी बाई डी निकालना है अब कोई एक रिवर है जैसे कि ये है ये उसका बॉटम है ये लेंथ मतलब ये डेफ्थ जो है वो डी के बराबर है और इधर ये जो वेलोसिटी है सरफेस की वो वाली लेयर की वेलोसिटी गिवन है हमारे पास टू मीटर पर सेकेंड ये वी एस है वेलोसिटी ऑफ सरफेस और जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी ठीक है तो इधर तक का ग्रेडियंट क्या हुआ हमारे पास इधर का वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम डी वी बाई डी एक्स की जगह डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स लिख देंगे ठीक है तो डेल्टा वी इधर से इधर तक कितना हुआ इन वी एस माइनस जीरो वी मतलब टू माइनस जीरो हो गया अपॉन डेफ्थ डी है ठीक है डेल्टा एक्स तो ये हो जाता है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट टू मीटर पर सेकेंड माइनस जीरो क्योंकि बॉटम मोस्ट लेयर की जो वेलोसिटी uh, होगी वो जीरो है अपॉन आ जाएगा डी डी की वैल्यू है पाँच मीटर ये आ जाता है टू बाई फाइव वेलोसिटी ग्रेडियंट अब अगर फोर्स पर यूनिट एरिया निकाले एफ बाई ए उसकी वैल्यू है ईटा इंटू डी वी बाई डी एक्स ठीक है वो हो जाता है ईटा की वैल्यू है टेन एच टू पावर माइनस थ्री इंटू आ जाता है टू बाई फाइव के बराबर जो कि बन जाता है ये फोर इंटू टेन एज टू पावर माइनस फोर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर ठीक है अब अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन सी देखिए फोर इंटू टेन इज टू माइनस फोर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स टू से लेके नीट आई आई टी जेई और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर